Yes, अपने सेकेंड जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में, जो है फिजियोग्राफिक इंडिया ऑफ इंडिया में पहला डिवीजन हम लोगों ने द ग्रेट हिमालय कवर कर लिया था। उसके जो आपके आज के डाउट थे वो भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें से, जो सेकेंड हमारा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब अगर इसको कहें तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये तीन जो है मेजर रिवर हैं। सबसे पहले हिमालय से इंडस निकलती है, जो कि अगर आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे तो ये देखो ये इंडस है। तो ये इंडस रिवर और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये सारा प्लेन बनाती है हमारा। ये एक है इंडस प्लेन जो कि पंजाब, भारतीय पंजाब से शुरू होकर और मैक्सिमम पार्ट इसका पाकिस्तान में, और ये वाटर डिवाइड है इसका, मतलब ये जो अरावली रेंज से सीधी लाइन इसके इधर वाली जो है ये अरब सागर में गिरती है, और इधर से जो गंगा चलती है तो ये हमारा सबसे बड़ा गंगेटिक प्लेन बनाती है और यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो है स्लोप इधर है प्योर बंगाल। तीसरा जो हमारा मेजर रिवर है वो है सांपो रिवर, जिसको चीन में कहते हैं और हम जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बिहांग गॉर्ज को पार करके मुड़ती है तो ये किधर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और ये बंगाल फिर बंगाल में गिरती है। तो ये जो प्लेन बनाती है ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इस प्रकार से हमारे पास तीन प्लेन है जो कि हम लोग देख रहे हैं ये करता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये हम लोगों को करना है। हम लोगों ने चार बातें कही थी कोई भी चीज पढ़ने के लिए, लोकेशन क्या है उसका, दूसरा उसका क्या है डिविजन्स कैसे हैं, कौन से डिविजन, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद रीजनल डिविजन्स उसके कैसे हैं, और फिर हम लोग उस पर आ जाएंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि इसकी क्या इन्फ्लुएंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण से ये हमको ये कर रहा है। अब हम लोग सबसे पहले जो इसको बात करेंगे तो हम लोग इसमें ये पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो आप समझ गए, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया है नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है, तीन मुख्य भागों में है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग रीजनल डिविजन्स देखते हैं। तो दो प्रकार के रीजनल डिविजन्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, सॉरी दो प्रकार के डिविजन्स दिख रहे हैं जिसमें से रीजनल डिविजन्स, और वो हम लोगों को पढ़ना है। इसको जूम कर दीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? सर क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। अब दिख रहा है, अब बड़ा हो गया ना, और बड़ा करना है अब तो, और छोटा हो गया। यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो है ये है क्या वास्तव में। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि इसका जो है, अब दिख रहा है आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन? यस सर। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन जब आपको दिख रहा है, नॉर्दर्न प्लेन का फिजियोग्राफिक डिवीजन हम लोग देखेंगे। पहला है द भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये चार हैं। जब नदी हिमालय से निकलती है तो सबसे पहले जब मैदान में प्रवेश करती है तो जब हिमालय का जो पादस्थल होता है या पर्वत का पादस्थल होता है तो वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकलती है, तो ये कहलाता है भाबर। यहाँ नदी लुप्त जैसी हो जाती है क्योंकि पत्थरों के नीचे से निकलती है,
ज्यादा उसमें वेग होता है लेकिन पत्थरों को पूरी तरीके से तोड़ नहीं। उसके बाद जब मैदान में आती है तो वो चारों बगल फैल जाती है और दलदली बना देती है इसको तराई, और फिर वो मैदान में अच्छे से बहने लगती है। इसमें दो चीजें होती है, खादर और बांगर। जो ओल्ड फ्लड प्लेन होता है वो बांगर कहलाता है और जो न्यू फ्लड प्लेन होता है वो क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। सेम इसी को यहाँ डायग्राम से भी आपको दिखाया गया, हिमालय है, भांगर है, तराई है, भाबर है और खादर है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिवीजन है नदी के अलोंग। नदी के सबसे नजदीक होगा खादर, फिर भांगर, और हिमालय के पास जहाँ होगा वहां भाबर और तराई। ठीक है, ये आपको पूरे प्लेन में मिलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि रीजनल डिवीजन इसको कैसे बांट सकते हैं। तो इसमें है इंडस, या जिसको सिंधु नदी का घाटी या प्लेन कह सकते हैं, घाटी तो नहीं प्लेन कहेंगे हम लोग, जो बेसिकली पाकिस्तान में है। उसके बाद उसी का पार्ट है, पर हम लोग इसको क्योंकि इंडिया में पढ़ रहे हैं तो अलग से करते हैं, पंजाब प्लेन मान के, जो कि बेसिकली सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियों का प्लेन है। ठीक है, और तीसरा है हमारा गंगा प्लेन, जिसके हमारे सब रीजनल डिविजन्स भी हैं, और चौथा हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। मैप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से ये मैप देखना है, बनाना भी है आपको है। ये सतलुज यमुना प्लेन जो है यही हमारा पंजाब प्लेन है, ये यहाँ अपर गंगा, मिडिल गंगा और ये लोअर गंगा, ये तीनों मिला के हमारा गंगा प्लेन है और ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, यही हमारे हैं। राजस्थान प्लेन्स को हम लोग अलग में, क्योंकि हम लोगों ने अपने डिविजन्स जो छः बातें हैं उसमें द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स को अलग है, पर अगर आप चाहें तो राजस्थान प्लेन भी दिखा सकते हैं। राजस्थान प्लेन में जो है इसी से जो पंजाब प्लेन का है वो एक्सटेंशन है। अब सबसे पहले हम लोग लौटते हैं भाबर, बांगर और तराई पे, और उसके बाद फिर हम लोग इन पंजाब गंगा और उस पे आएंगे। भाबर, तराई और बांगर। भाबर क्या होता है? भाबर इज ए नैरो बेल 8 to 10 किलोमीटर वाइड विच रन्स इनटू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द फुट ऑफ हिमालय फ्रॉम द रिवर्स इंडस टू तीस्ता। ठीक ना, भाबर क्या है? एक संकीर्ण पेटी होती है 8 से 10 किलोमीटर की, जो पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के जो पाद में है वो सिंधु घाट नदी से लेके तीस्ता नदी तक फैली हुई है। ठीक है, अब क्या होता है? रिवर विच डिसेंड्स फ्रॉम द हिमालय डिपोजिट्स देयर लोड अलोंग द फुट हिल्स इन द फॉर्म ऑफ एल्यूवियल फेन। जो हिमालय से नदियाँ उतरती है वो एल्यूवियल फेन के रूप में अपना फुट हिल्स में डिपोजिशन करती है, बड़े बड़े बोल्डर, और उसी बोल्डर से होके नदियाँ बहती हैं। इसको पेडिमेंट प्लेन भी कहते हैं, मतलब ये पाद स्थल, पेडिमेंट का मतलब होता है हिमालय के पाद स्थल का। इसमें रॉक्स मिलते हैं, बड़े बड़े बोल्डर मिलते हैं और उन्हीं के बीच से होके वो गुजरती रहती है। फिर उसके बाद आता है तराई। ये क्या है? 10 से 20 किलोमीटर ये भी होता है और दलदला होता है, मार्सी रीजन्स होता है। कैरेक्टराइज कैसे है तो किया जाता है कि इसमें जैसे हमारे यहाँ जो तराई रीजन्स मिलते हैं उसमें दलदला होता है, खूब ज़्यादा पेड़ मिलते हैं, और ये जो है इसके कारण क्या होता है, वाटर जो है वो चारों बगल फैला हुआ रहता है नदी का, मतलब नदी चौड़ी हो जाती है ना, और बैडली ड्रेन्ड मार्श लैंड से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है ये। उसके बाद जब हम लोग बढ़ते हैं तराई के बाद, तो भांगर और खादर जो है ये फ्लड प्लेन से संबंधित है। ओल्ड एल्यूवियम डिपोजिट्स जो होते हैं, मतलब पुरानी बाढ़ का मैदान, वो भांगर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कलर डार्क होता है, ह्यूमस कंटेंट में रिच होता है, प्रोडक्टिव भी होता है, पर इसमें जहाँ पे ज़्यादा कंकड़ आप सुने होंगे या एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ के आएंगे 9th में, उसमें लिखा रहता है कि जब सॉइल जो है क्लेई हो जाता है कंपोजिशन में और लाइन ज़्यादा मिल जाता है तो वो
कड़ा हो जाता है और कंकड़ हो जाता है, उसी प्रकार से बंगाल में भूर फॉर्मेशन मिलता है। अब ये आप पता करेंगे कि भूर फॉर्मेशन क्या है, ये हम नहीं बताने वाले हैं, लिख लीजिए। उसके बाद और कुछ शब्द हैं जो इसमें से आपको खोजना है, रेह क्या है ये भी आपको खोज के रखना है। फिर सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग खादर प्लेन में। खादर में क्या होता है, तो ये न्यूअर एल्यूवियल डिपोजिट्स है, मतलब नए बाहर का मैदान है, ठीक है। ये एकदम नदी के बैंक जो है किनारे से लगा हुआ होता है। इसका जो है भाबर की तुलना में कलर भी लाइट होता है और टेक्सचर भी लाइट होता है, मतलब टेक्सचर बालू के तरीके से होता है और ज़्यादा पानी इसमें हो सकता है क्योंकि हर साल इसमें नई नई मिट्टियाँ ये लाती हैं। क्योंकि नई नई मिट्टियाँ लाती हैं तो फर्टाइल भी होता है। पंजाब में इसको ढाई नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा एक डिवीजन हुआ। अब हम लोग जब आते हैं इसके बाद हमारे दूसरे डिवीजन के बारे में, जो कि किताबों में बहुत डिटेल्स में है, हम लोग इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि किताबों में चूंकि डिटेल्स में है तो हमको संक्षेप में पढ़ना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैप ही देख लेते हैं, हम लोग मैप को ले आते हैं उसके बाद बात करते हैं। बड़ा बड़ा मैप दिख रहा है, छोटा हो गया। सर ऑक्सबो लेक मियांडर्स किस में फॉर्म होता है, किस टाइप का ज़ोन्स में, जो भाबर है या तेरा है या भांगर या खादर में? ऑक्सबो लेक को भाबर खादर से नहीं है, ऑक्सबो लेक तब फॉर्म होगा जब जो रिवर जो है वो अपने मैच्योर स्टेज को पार कर जाएगी, उसमें पार होगा जब मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएगी। उसका इस रीजनल डिवीजन से कोई मतलब नहीं होता सर, सर तो मैच्योर स्टेज में तो डेल्टा फॉर्म होता है ना, जो ब्रह्मपुत्र वो बे ऑफ बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है। हाँ नहीं नहीं मैच्योर स्टेज का मतलब, मैच्योर स्टेज का मतलब ये नहीं हुआ कि मैच्योर स्टेज में जब पहला यंग क्या क्या स्टेज है, थ्री स्टेज बताओ सर। एक यंग है, मैच्योर है, फिर जुवेनाइल है जो लास्ट स्टेज होता। जुवेनाइल है ये कौन कह रही है? सर मतलब एक आपका जो जब रिवर ओरिजिनेट हो रहा है हिमालय से तो फिर स्लोप ज्यादा होता है, फिर वो प्लेन्स में आता है, फिर लास्ट जब वो ड्रेन होने के टाइम का पीरियड को हमको तक नफरत है बेटा। यंग बोली ठीक है, दूसरा स्टेज बताओ क्या होता है, बोलो। ये yes, सर क्या पूछ रहे हैं? रिवर के थ्री स्टेजेस बताओ। सर एक यंग होता है और फिर सर बोले तो सर एक यंग होता है जहाँ जब ओरिजिनेट होता है और जो मैच्योर फेज होता है और एक लास्ट फेज होता है सर ओल्ड फेज जहाँ पे रिवर ड्रेन हो जाती है। नाम बताइए बेटा तीनों, ये हमको बेटा नाम सुनना है आपसे। ये मत तीन स्टेजेस होते वो हम भी जानते हैं, पर आप ये बताइए नाम, बताइए बताइए क्या क्या नाम है। नाम बताइए। नहीं बताते नाम, मोस्ट प्रोबेबली अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। नहीं ये कुछ नहीं होता है, यंग स्टेज होता है पाला, इसमें सही कहा है। एक बात बताओ, संयुगावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यंग रिवर, मिडिल एज रिवर, ओल्ड रिवर। नहीं नहीं ऐसा कोई नाम नहीं होता है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। हाँ तो वृद्धावस्था यंग मैच्योर और ओल्ड, तो आपकी जो सवाल का उसका जवाब यही है कि आपने जो है ओल्ड स्टेज को मैच्योर स्टेज मान लिया। मैच्योर स्टेज जो होता है सेकेंड स्टेज है बीच का, ठीक है, और डेल्टा जो है वो ओल्ड स्टेज में बनता है बेटा। तो जब मैच्योर से ओल्ड की ओर ट्रांजिशन होता है रिवर का, उसी समय जो है आपका ऑक्सबो लेक बनता है, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir.
तो यंग मैच्योर और ओल्ड, मैच्योर सबसे लास्ट स्टेज नहीं है, मैच्योर सेकेंड स्टेज है जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। और टर्म टर्म हो सकता है, टर्म्स को अगर उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो फिर खराब हो जाएगा, और सारे चीज़ों में आप इधर उधर लिख लेते, पर जो टर्म है वो टर्म है, तरुणावस्था, यंग स्टेज, ओल्ड मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था और ओल्ड स्टेज मीन्स वृद्धावस्था। चलिए तो अब हम लोग जो है अपने इसमें आते हैं, सेकेंड जो है हमारी है नॉर्थ गंगा प्लेन जो है हमारा, तो प्लेन्स के बाद हम लोग मैप में देखते हैं तो हम प्लेन्स अपना देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंधु के बारे में बात करते हैं। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, झील है, म्यूट कर ले बेटा जो लोग म्यूट है। मानसरोवर झील है जो पश्चिमी तिब्बत में है, यहाँ कैलाश श्रेणी के बगल से सिंधु का उद्गम होता है। आप मैप में जो पहला मैप था उसमें हम लोगों देख चुके हैं, मैप दिख रहा है ना सिंधु की किस तरफ जा रही है, ये अरब सागर की ओर जा रही है, इसका ढाल कैसा है बताइए, दक्षिण की ओर है और पश्चिम की ओर है, ठीक है, कराची के पास जाके ये सागर में मिलती है। हमारे भारत में जो है ये लद्दाख में मिलती है, जहां से श्योक, सुरू, गिलगित, गोरटांग, द्रास और हुंजा नदी इसमें मिलती है, नंगा पर्वत के पास ये गहरा गॉर्ज बनाती है, और उसके बाद इसमें झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज नदी मिलती है। दिखाई दे रहा है इसमें आपने, अगर हम और बड़ा करें इसमें आपको थोड़ा सा आप देखिए, तो नीचे लाते अब दिख रहा है इंडस रिवर, ये है सिंधु, इसमें देख झेलम, राबी, सतलज, ब्यास ये मिलती है, इससे ऊपर हमारे यहाँ लद्दाख में हमने बताया कि द्रास, हुंजा, गिलगित, सुरू और श्योक नदी मिलती है। लेह जाएंगे तो लेह के चारों किनारे किनारे श्योक नदी बहती है और इसी श्योक नदी सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, दूसरा जो हमारा मेजर पार्ट है वो है हमारा गंगा, ये जो है यहाँ से अरावली पर्वत इन दोनों के बीच वाटर डिवाइड बनाती है। अब वाटर डिवाइड ये होता है बेटा कि वाटर जो है वह कोई भी जो पर्वत होता है या कोई भी क्या कहते श्रेणी होती है वो भूमि का भी ढाल निर्धारित करती है कि भूमि का ढाल किधर है, नदियां और अपवाह तंत्र उसी से बनते हैं। तो जब हम लोग अपवाह तंत्र में जाएंगे तो उसको और डिटेल से देखेंगे, अभी बस हम लोग रीजनल डिविजन्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो अरावली पर्वत दिख रहा है इसके सीधे सीधे इस तरफ इसका ढाल जो है वो पश्चिम दक्षिण की तरफ है और इस तरफ जो है पूर्व दक्षिण की तरफ आ जाती है। तो अब यहाँ गंगा मिली, गंगा में यमुना मिली, फिर यमुना में चंबल मिली, गंगा में और क्या क्या नदियाँ मिलती हैं बताओ, गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा हमारे यहाँ निकलती है इससे जो है गंगा की मूल जो शाखा है वो सर भागीरथी से ना, हाँ भागीरथी गंगा की मूल शाखा है, भागीरथी और अलकनंदा जब प्रयाग में मिलती है तब उसको गंगा नदी हम लोग कहते हैं। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख से जो है गंगोत्री के, गंगोत्री हाँ ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड, हाँ गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री के पास है। और दूसरी जो इसकी मेजर नदी है वो है हमारी अलकनंदा, अलकनंदा सतुपंथ ग्लेशियर है, ये बद्रीनाथ से और आगे है, तो बद्रीनाथ से आगे सतुपंथ ग्लेशियर के पास से निकलती है, दोनों देवप्रयाग में निकल मिलती है और वहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद ये फिर हरिद्वार जब पहुँचती है तो मैदान में प्रवेश करती है, इलाहाबाद के पास इसमें यमुना मिलता है, उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है उसमें सोन मिलती है दक्षिण से, फिर दामोदर मिलती है, राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ जो है ये गंगा में मिलती है और गंगा को एक बड़ी नदी बनाती है जिससे हमारा पूरा का पूरा उत्तरी मैदान संचालित होता है। उसके बाद जो तीसरी हमारी इसमें से है, अब हाँ गंगा के मैदान को अब हम सब डिविजन्स में देखते हैं यहाँ पे, तो गंगा के मैदान के सब डिविजन्स को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं। गंगा के मैदान के सब डिविजन्स को देखिए, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन इसमें माना जाता है।
अब ये जो नदियों की अवस्था आप बता रहे थे उसी के हिसाब से ये प्लेन से करीब करीब जहाँ पे नदी पहाड़ से उतर के सीधे मैदान में आती है, बहुत लंबा चौड़ी नहीं होती है, वो अपर गंगा प्लेन हिमालय और उत्तर प्रदेश में इसकी सहारनपुर के पास सीमा बनती है। फिर पूरा उत्तर प्रदेश और मैक्सिमम बिहार जो है ये हमारा क्या है, मिडिल गंगा प्लेन में है। और जब ये नीचे उतरती है समुद्र में मिलने के लिए तो ये बहुत चौड़ी हो जाती है। बिहार में जब आप कोसी जब इसमें मिल जाती है मेरे घर के पास, तो आप देखेंगे कि ये जितनी बड़ी हमारे पास इलाहाबाद में है उसकी 3 से 4 गुनी हो जाती है गंगा चौड़ी। और जब उसके बाद ये बिहार से निकल के पश्चिम बंगाल में घुसती है, ये बहुत फैल जाती है और अपने वृद्धावस्था में आ जाती है, जहाँ इसको हम लोग लोअर गंगा प्लेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत चौड़ी हो जाती है। ये तीसरा प्लेन है लोअर गंगा प्लेन। और तीनों प्लेन में आपको पता है मानसून भी इसी के हिसाब से हमारा यहाँ सबसे अधिक होता है, उसके बाद मिडिल में, उसके बाद सबसे कम यहाँ पर गंगा प्लेन में होते आता है। तो ये हमारा रीजनल डिविजन्स भी है। रीजनल डिविजन्स के बारे में आप किताब में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। और फिर हम लोग आते हैं अपने अंतिम ब्रह्मपुत्र प्लेन पे। ब्रह्मपुत्र का सोर्स ये कैलाश रेंज के पास ही है। ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब पूर्ववर्ती नदी है, मतलब ये हिमालय के बनने से पहले बन बह रही थी। सेम जो गंगा में एक नदी कोसी मिलती है वो भी पूर्ववर्ती नदी है, इसलिए जब हिमालय बनने लगा तब भी ये हिमालय को काट के दिहांगार होके इधर आने लगी। और इसीलिए जब तिब्बत में इसका जो दिशा है वो पूरब की ओर है पूरी की तरीके से, और जब यहाँ दिहांगार को काटती है तो इसकी दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और फिर ये ब्रह्मपुत्र प्लेन मिलाती है और वहाँ जाके बांग्लादेश से ये गंगा मिल जाती है। तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद आदिया के पास यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जब दिहांग गॉर्ज को पार करके आती है। उसके बाद सुवर्णश्री, कामेंग, धनश्री, मानस, गंगाधर और टीस्टा नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती है। इसी में एक रिवर आइलैंड माजुली द्वीप मिलता है जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है दुनिया का। और गारो पहाड़ियों को जब ये पार करती है मेघालय में शिलोंग के पास, तो ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहाँ बहते हुए फिर से बंगाल की खाड़ी में ये गिर। तो ये हमारा जो है अपवाह तंत्र जो हम पढ़ेंगे, तो फिर से इसी को डिटेल्स में जाएंगे, पर अभी हम लोग बस और बस रीजनल डिवीजन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमको देखने हैं। अब इसका चौथा ओरिजिन्स वाले पे जो बात करेंगे, ओरिजिन्स को हम लोग तत्काल छोड़ के जाते हैं। आप ओरिजिन्स में बस इतना ही लिखिए कि हिमालय से सारी नदियाँ निकल रही है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, कुछ एंटीसीडेंट्स हैं जो ब्रह्मपुत्र जैसे है और ये दोनों जो है नॉर्मल नदियाँ हैं हमारे पास। अब जब हम इसके ओरिजिन्स पे जाएंगे तो डिटेल्स में, जब अफवाह तंत्र में जाएंगे तब बात करेंगे, दोबारे में हम बात नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंसेस के बारे में आप सबसे अच्छे से लिख सकते हैं, नदियों पे हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न जो प्लेन है ये निर्भर है, किस तरीके से ये हमारी संस्कृति, उद्योग और सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, तो एक पैराग्राफ इसके बस लिखना है। इसमें बस हमारे ओरिजिन्स को ध्यान रखना है कि जब हम लोग ड्रेनेज बेसिन पढ़ेंगे या ड्रेनेज पढ़ेंगे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, तो फिर से इस पर आएंगे और थोड़ा सा ओरिजिन में देखेंगे। अदरवाइज अभी ओरिजिन में हमको बस यही लिखना है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं ये जरूर लिखना है, और कैसे भारत में आती हैं ये करती हैं। बेसिकली इसकी उत्पत्ति के लिए दो सिद्धांत जो हैं जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडो ब्रह्म एक रिवर ओरिजिन का सिद्धांत है वो, जिसमें रिवर कैप्चर की बात होती है, और एक दूसरा जो है ईएच पास्को का सिद्धांत तो वो है शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी, वही पहला। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल जो इसका टर्शियरी युग में हिमालय की उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति का सिद्धांत रहा है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आगे हम लोग आएंगे अपने प्लेटो डेजर्ट और इन सब चीज़ों के बारे में।